नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो भर्ती निकाली है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी एग्जाम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। साथ ही नोटिस जारी किया है SSC ने यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और जो पोस्ट आई है वो आई है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपको 44,900 वाले ग्रेड में, वहीं डी के लिए आपको 25,500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। अगर हम बात करें डेट ऑफ सबमिशन की, तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग की डेट है 10 अक्टूबर, लास्ट डेट है 4 नवंबर। आप 4 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। फीस का पेमेंट अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आप 6 नवंबर तक, वहीं बैंक चालान के थ्रू आप 10 नवंबर तक जमा करा सकते हैं, लेकिन आपको चालान 8 नवंबर तक निकालना पड़ेगा। CBT जो है यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होगा वो होगा 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको भारत सरकार के विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में काम करने का मौका मिलेगा, और जिनकी स्किल टेस्ट हाई होगी उनको ग्रेड सी, वहीं जो स्किल टेस्ट में थोड़ा सा लेस परफॉर्म करते हैं उनको ग्रेड डी में शामिल किया जाएगा। वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं, लेकिन बाद में इनको आप चाहें तो SSC की वेबसाइट पर जाके, वहाँ कैंडिडेट कॉर्नर है, वहाँ टेंटेटिव वैकेंसी का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं 1-2 महीने में वहाँ आपके लिए वैकेंसी आ जाएंगी। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट है 28 से लेकर 30 साल स्टेनो ग्रेड सी के लिए, वहीं 28 से लेकर 27 साल रहने वाली है स्टेनो ग्रेड डी के लिए, और ये 1 अगस्त 2020 को काउंट की जाएगी। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PH कैंडिडेट को 10 साल का दिया जाएगा, बाकी एक्सेसमैन को 3 साल का, और जो अदर कैटेगरीज हैं उनको एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनको 40 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। वहीं जो विधवा महिला हैं, तलाकशुदा हैं, या फिर जिन्होंने न्यायिक रूप से जो अलग हो चुकी है, जुडिशली सेपरेटेड हैं और दोबारा शादी नहीं करी है, उनको 35 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो 1 अगस्त 2020 को आपके पास 12th पास होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने ओपन स्कूल से किया है वो भी एलिजिबल हैं। तो कुल मिलाकर आप 1 अगस्त 2020 तक 12th पास होने चाहिए। बात करें आवेदन करने की, एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन, आप ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन करके फॉर्म भर देंगे, वहीं अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 नवंबर है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और एप्लीकेशन फीस आपकी लगने वाली है मात्र 100 रुपये। इसमें भी SC ST PH एक्सेसमैन को कोई भी फी पे नहीं करनी है, साथ ही जो महिला कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फी पे नहीं करनी है। फीस का पेमेंट आप भीम UPI, नेट बैंकिंग या फिर वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो SBI चालान निकलवा के SBI की ब्रांच में भी जमा करा सकते हैं अपनी फीस, लेकिन चालान आप 8 नवंबर तक जनरेट कर लेना। बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो पूरे भारत में डिफरेंट बनाए गए हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटक, केरल रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन और नॉर्दर्न रीजन, साथ ही नॉर्थ वेस्ट रीजन, साउथ रीजन, वेस्टर्न रीजन, इन सब रीजन में आपके लिए एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। पूरे भारत में ढेर सारे एग्जाम सेंटर हैं, आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। अगर बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो पहले होगा आपका एग्जाम, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। एग्जाम जो होगा वो 29 से लेकर 31 मार्च के बीच में आपका किसी भी दिन रह सकता है। इसमें 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, सेकंड पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का, तीसरा होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का। 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 50 होंगे जनरल अवेयरनेस के, 100 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, और इनके इतने इतने ही नंबर रहने वाले हैं, 50-50-100। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर रहेगा, दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी इंग्लिश में, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम है, इसलिए आपकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। अगर हम बात करें इंडिकेटिव सिलेबस की, तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए आपकी एनालॉजी, सिमिलरिटी, रेफरेंसेज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, इसके अलावा अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, वर्बल सीरीज, ये सब आपके आएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो इसका जो लेवल है वो SSC हायर सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी आपका SSC हायर सेकेंडरी लेवल का ही रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिटेल आपकी बढ़ जाएगी। इसमें आपकी वोकैबुलरी आएगी, ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, इसके अलावा साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपके आएंगे। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट 2 टाइप का होगा, एक होगा 100 वर्ड पर मिनट, दूसरा होगा 80 वर्ड पर मिनट। 100 वर्ड पर मिनट जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनको स्टेनो सी, वहीं 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से जो क्वालिफाई करेंगे उनको स्टेनो ग्रेड डी के लिए शामिल किया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए टाइम अलग अलग दिया गया है। जो स्टेनो ग्रेड डी इंग्लिश के लिए अप्लाई करेंगे उसका स्किल टेस्ट देंगे तो उनको 50 मिनट मिलेंगे ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए, वहीं PH कैंडिडेट को 70 मिनट मिलेंगे। स्टेनो ग्रेड डी हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेंगे। स्टेनो ग्रेड सी के लिए इंग्लिश के लिए 40
मिनट मिलेंगे, वही स्टेनो ग्रेड सी हिंदी के लिए 55 मिनट आपको मिलेंगे। हिंदी के लिए मंगल फॉन्ट आपका रहने वाला है, उसमें दो टाइप के कीबोर्ड लेआउट आपको मिलेंगे, एक तो है इनस्क्रिप्ट और दूसरा है रेमिंगटन। तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, लेकिन आपको कृतदेव या फिर डेविसलेस का फॉन्ट नहीं मिलेगा। स्टेनोग्राफी में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनको मेरिट के बेस पर शामिल किया जाएगा, इन रिटर्न की जो मेरिट है उसके बेस पर आपको फाइनली ज्वाइन कराया जाएगा। लेकिन अगर आपने हिंदी स्टेनो क्वालिफाई किया है तो आपको इंग्लिश स्टेनो सीखनी होगी, तभी आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा। इसी तरीके से जो कैडेट इंग्लिश में क्वालिफाई होंगे उनको हिंदी स्टेनो सीखनी होगी, तभी उनका प्रोबेशन पीरियड क्वालिफाई माना जाएगा। स्किल टेस्ट जो है वो रीजनल सेंटर से या फिर उनके द्वारा बनाए गए किसी भी सेंटर पर आयोजित कराया जा सकता है, आपको वहीं जाना होगा। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, जनरल वालों को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, बाकी कैटेगरी को 20% लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा रिटर्न एग्जाम में। यानी रिटर्न एग्जाम में कम से कम इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे। वहीं स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और जो आपका ट्रांसक्रिप्ट आप करेंगे स्टेनोग्राफी का, वहां पर फुल मिस्टेक्स के लिए एक अंक काटा जाएगा, वहीं हाफ मिस्टेक के लिए आधा अंक काटा जाएगा। फुल मिस्टेक में आपका ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, इसके अलावा रॉन्ग वर्ड और फिगर, साथ ही जो भी वर्ड और फिगर जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या फिर फिगर्स में शामिल नहीं है डिक्टेटेड पैसेज में आपने लिख लिया है, वो भी आपकी मिस्टेक मानी जाएगी। हाफ मिस्टेक की बात करें तो रॉन्ग स्पेलिंग, जिसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन ए वर्ड, लेटर फ्रॉम ए वर्ड, इसके अलावा यूजिंग सिंगुलर और प्लुरल नाउन्स एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये आपके माने जाएंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लागू रहने वाला है। कैलकुलेशन की बात करें तो फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स बाई टू, यानी पहले फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स को दो से भाग देके जो आएगा, इन दोनों को जोड़ के उसका 100 से गुणा किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसको जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं मास्टर पैसेज में उससे डिवाइड किया जाएगा। परसेंटेज को दो पॉइंट तक राउंड ऑफ किया जाएगा, जैसे 5.009 है तो उसको 5.01, वही 5.001 को 5 माना जाएगा। इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। तो साथ ही यह थी जानकारी SSC स्टेनोग्राफर एग्जाम 2020 के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 4 नवंबर, फीस आप 6 नवंबर तक ऑनलाइन, वहीं 10 नवंबर तक ऑफलाइन जमा करा सकते हैं, चालान आप 8 नवंबर तक निकलवा लें अगर आप ऑफलाइन फीस जमा कराना चाहते हैं तो। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 29 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आपका रहने वाला है। साथियों, मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।